तैयार हो गए हैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए। देख सकते हैं आप, टेक ऑफ कर लिया इन्होंने। तो सो गाइस, ऐसा कुछ कॉलेज है और रास्ता देखो आप भाई, खतरनाक रास्ता है, खतरनाक। और मिल गया अपने दोस्त। हाँ जी, पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब होंगे अच्छे। तो आज हम आ गए हैं एक और नए व्लॉग के साथ। तो आज हम जा रहे हैं बंदला, वहाँ पे पैराग्लाइडिंग वगैरह होती है, तो वो दिखाऊंगा मैं आपको। और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी है वहाँ पे, तो वो सब दिखाऊंगा मैं आपको कि ऊपर बंदला में क्या क्या है। पहले तो ये मतलब ऐसा रख लो कि पिछड़ा हुआ इलाका था, क्योंकि ज़्यादा मतलब लोगों को पता नहीं था यहाँ का। और ये देखो ऑटो वाला बीच रास्ते में लगाया है। बंदला की बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खुल गई, जैसे कि पैराग्लाइडिंग स्पॉट खुल गया और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि सबसे बड़ा है वो खुल गया है वहाँ पे। और यहाँ पे है इतना बड़ा मंदिर। और यहाँ की मैं एक बात बताता हूँ इस मोड़ की, तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही साल पहले यहाँ पे ऐसा हुआ था कि मतलब तब तो कच्चा रास्ता होता था। आप देखो कंडीशन, देखो आप रास्ते की, क्या प्यारा रास्ता बना है बिल्कुल। लेकिन तब कच्चा रास्ता था और यहाँ पे इस मोड़ पे होता था कि एक कट में बस नहीं मुड़ती थी, तो मतलब कि बस को एक दो बार पीछे करना पड़ता था। तो वो बेचारा कर रहा था ड्राइवर पीछे, और पता नहीं हुआ क्या, ब्रेक नहीं लगी या पता नहीं क्या, और पूरी बस गिर गई नीचे खाई में जाके। और वहाँ जाना हमने सोचा जो ऊपर टॉप पे। और मौसम चेक करो आप एक बार, क्या प्यारा मौसम बना है आज। बहुत ही ज़्यादा तगड़ा मौसम हुआ है आज भाई, बहुत ही ज़्यादा। आप सोचो बिल्कुल ठंडा मौसम ऊपर, तो मेरे को लग रहा है शायद कहीं बारिश ना हो, क्योंकि ऊपर का मौसम 12 महीने बिल्कुल ही ठंडा रहता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऊपर हाइट पे है जाके वो बना हुआ। और पैराग्लाइडिंग स्पॉट के लिए तो खतरनाक रास्ता है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। और बारिशों में तो और भी ज़्यादा, भी गया था मैं 1-1.5 महीने पहले, तब तो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन अब कर रहे थे उसको ठीक, क्योंकि पैराग्लाइडिंग शुरू हो गई थी यहाँ पे। अब पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं, आज तो वैसे कर नहीं रहे हैं, तो ऊपर जाके लगेगा पता। जगह का नाम देखो आपको, 11 किलोमीटर, तगड़े नाम है भाई। और जो टॉप है जहाँ पे हम जा रहे हैं उस जगह का नाम है बंदला। और ये रास्ता अब जाता है ब्रह्मपुखर के लिए, जो शिमला वाला रास्ता है वहाँ पे भी मिल जाता है चौक पे। तो यहाँ से जा सकते हैं आप लोग घूमते हुए, मतलब कि अपने सब एंजॉय करते हुए। आधी चीज़ें यहाँ पे मंदिर भी है, जैसा कि चूड़दार में है ना मंदिर, वैसा डिट्टो है एक बना हुआ, मतलब कि ऐसे थोड़ी सी ट्रैकिंग है उसकी। और ऊपर जाके शिव जी भगवान बने हैं वहाँ पे, वो भी मतलब कि ऐसा है कि मिनी चूड़दार की तरह लगता है वो देखने के लिए, क्योंकि सेम टू सेम जैसे महादेव वहाँ बैठे हैं वैसे यहाँ पे भी हैं। और इस जगह में भोलेनाथ जी के बहुत ही ज़्यादा मंदिर हैं, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ चेक करो आप मंदिर कैसे बने हैं रंग बिरंगे। और यहाँ पे बहुत सारे हैं, मतलब कि इसी पॉइंट पे जो ये मोड़ है ना, यहाँ पे ही कम से कम 5 या 6 मंदिर हैं मिलाकर, ऊपर नीचे पता नहीं क्या इकट्ठे बना दिए हैं यहाँ पर। और यहाँ पे खड़े होके मैं आपको व्यू दिखाता हूँ एक बार की कितनी ज्यादा हाइट है। सो गाइस, ये चेक करो आप एक बार, हाइट चेक करो यहाँ पर। ये तो अभी आधे रास्ते पे आए हम, सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर अभी तो हमने वो जाना है, वो ऊपर जो आपको पहाड़ी दिख रही है वहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आप, लग रहा है ना खतरनाक देखने के लिए बिल्कुल ही। और नीचे जाके है बिलासपुर वहाँ पर। और ये देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा मंदिर बने हैं यहाँ पे, इनकी बात कर रहा था मैं, 2-3 तो यहाँ, 1-2 वहाँ पे, तो ऐसे कुछ हैं। तो चलते हैं अब आगे फटाफट से। तो आप सोचो वो पूरा नीचे रहा बिलासपुर, तो ऐसा कुछ है अपना बिलासपुर, लेकिन नीचे शायद ही दिख रहा होगा क्योंकि फॉग ही फॉग पड़ी है। और ऊपर तो मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है कि बारिश ना पड़ गई हो, क्योंकि यहाँ पर हर कभी पड़ जाती है, नीचे धूप होती है और ऊपर बारिश पड़ जाती है। और ये बोल रहा था मैं, आप देख सकते हैं बीच बीच में ऐसे बने हैं भोलेनाथ जी के बहुत सारे मंदिर। सो गाइस, यहाँ पे लोकेशन चेक करो आप एक बार, क्या प्यार लोकेशन लग रही है, मतलब कि बिल्कुल ही प्लेन सरफेस आ गया है यहाँ पर। यहाँ पे देख सकते हैं आप घर वगैरह भी बने और मंदिर भी है ऊपर, और बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लग रहा है। और ये चेक करो आप एक बार सामने का व्यू, और ये पता नहीं कौन सा रास्ता है बना हुआ। नीचे देख सकते हैं आप कितना घना जंगल है यहाँ पर। और ऊपर से तो अभी तो बंदला हमें बचा है 3-4 किलोमीटर बचा है अभी।
तो अभी 4 किलोमीटर और है ऊपर जाने के लिए और मजा ही आ जाएगा आज तो। सामने जो मतलब की ऊंचाई पे दिख रहा है आपको पहाड़ जैसा और छोटा सा मंदिर, उसी की बात कर रहा था मैं, वो है मिनी चूड़दार। क्योंकि मतलब कि सेम डिट्टो जैसे कि भोलेनाथ जी वहाँ पे है ना चूड़दार में, वैसे डिट्टो बने हैं यहाँ पर, बिल्कुल ही डिट्टो। और वहाँ से हाइट भी खतरनाक है, तो आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पर अपना एंजॉय करने। और ये जगह तो ऐसी है कि आप लोग फैमिली वगैरह के साथ भी आ सकते हैं यहाँ पर अपना एंजॉय करने, मतलब कि ऐसे छोटी सी पिकनिक बनाने के लिए। आप देख सकते हैं नीचे की निजा धूप थी, और यहाँ पे मौसम चेक करो आप एक बार, क्या ठंडा मौसम हुआ, मतलब कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा आमने सामने का, इतनी ज्यादा फॉग पड़ी है यहाँ पर। और आपको डेली व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें सभी वीडियोस को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करें जो जो पार्ट आपको अच्छा लगता है वीडियोस का। और हमें लोकेशन भी सुजेस्ट करते रहा करो कि आपको कोई लोकेशन अगर देखनी हो हमारे यहाँ की, हिमाचल की, जो गेट जैसा है यहाँ से रास्ता मंदिर का और ये चूड़दार का। और मिल गया अपने दोस्त। हाँ जी, कितने घूम रहे हो? पहले चल रहा पैराग्लाइडिंग हो? हाँ भी नहीं कर दी, ये चल रहा था सुने कॉलेज है ठीक है भाई कर देंगे, चल चल रहा जी। हाँ अच्छा चलता आई गया, वैसे आगे जाना आई गया ठीक है भाई, आओ पहले बेल ला बोल रहे ठीक है। तो ये अपने दोस्त वगैरह मिल गए, बोल रहे थे ब्लॉग में लेने के लिए, तो जहाँ से ऊपर से आए ना वहाँ पे लवर्स पॉइंट, तो मैं अभी आपको आते आते दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है बारिश ना पड़ जाए तो इससे अच्छा मैं आपको पहले आगे की लोकेशंस बताता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा लवर्स पॉइंट। और जो ऊपर मैंने आपको गेट दिखाया ना पीछे, वो है चूड़दार, मतलब कि मिनी, ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगता है। अगर टाइम लगा तो वहाँ भी चढ़ जाएंगे ऊपर आपको दिखाने के लिए। तो ये चेक करो आप भाई, लोकेशन चेक करो आप एक बार, क्या खतरनाक लग रही है। और लोग यहाँ पे बढ़िया मजे कर रहे हैं अपने। और भाई मौसम जो है ना आज भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मौसम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मौसम इतना खतरनाक हुआ है भाई आज, बहुत ही हद भाई। यहाँ से लेना है हमने राइट, तो यहाँ से पहुँचेंगे आप पैराग्लाइडिंग स्पॉट के, मतलब कि ये रास्ता है, तो आप वीडियो देख के आ सकते हैं मेरी यहाँ पर, अगर किसी ने आना हो पैराग्लाइडिंग करने के लिए। और आज तो शायद ही हो रही होगी, क्योंकि आप मौसम देख ही सकते हैं क्या खतरनाक मौसम हुआ है। तो चलते हैं फटाफट, दिखाता हूँ मैं आपको पैराग्लाइडिंग स्पॉट। और यहाँ पे स्कूल भी है जैसे कि आप देख सकते हैं सामने, बच्चे खेल रहे हैं अपने ग्राउंड में। और ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ पर पैराग्लाइडिंग के लिए, ये चेक करो आप भाई, रास्ता चेक करो एक बार, लग रहा है ना बिल्कुल खतरनाक। और पीछे से टायर तो ऐसा घूम रहा है भाई खतरनाक ही, क्योंकि मतलब कि टायर में पूरा ग्रिप खत्म हो गया है। तो यहाँ से आपको लेना है राइट फिर से, मतलब सीधे सीधे चलते रहना है, मुड़ना नहीं है कहीं। और रास्ता देखो आप भाई, खतरनाक रास्ता है, खतरनाक। और यहाँ पे लोग वगैरह आते हैं घूमने के लिए जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने पैराग्लाइडिंग स्पॉट पे। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पे, और रास्ता आपने देखा क्या खतरनाक रास्ता था, और सामने चल रही है पैराग्लाइडिंग जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सारे यहाँ पर तैयार हुए हैं। और ऐसा मौसम बना है, पता नहीं अब ऐसे भी करते भी होंगे या नहीं, तो देखते हैं, अगर कर रहे होंगे तो बनाऊंगा मैं इसकी वीडियो, फिर आपको दिखाऊंगा। सो गाइस तैयार तो हो रहे हैं, अब देखते हैं अगर पैराग्लाइडिंग करेंगे तो मैं दिखाता हूं आपको। और सामने आप देख सकते हैं फॉग कितनी ज़्यादा होगी यहां पर, सामने देखो कैसे ऊपर को जा रही है हवा के साथ, और नीचे दिखाई भी नहीं दे रहा है कुछ, इतनी ज़्यादा हाइट है। तो ये कर रहे हैं अभी टेक ऑफ की तैयारी, तो देखते हैं अभी कब करते हैं, फिर उसके बाद दिखाऊँगा मैं आपको यहाँ पर। तो सो गाइस ये तैयार हो गए हैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए, देख सकते हैं आप टेक ऑफ कर लिया इन्होंने, और बिल्कुल खतरनाक लग रहा है भाई, ये देख सकते हैं, और बिल्कुल ही गायब हो गए, वो देख सकते हैं आप सामने धुंध में बिल्कुल ही गायब हो गए हैं। और एक और तैयार हो रहा है यहाँ पर, तो
थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के एंजॉय किया अपना और देखी पैराग्लाइडिंग वगैरह। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जो कि है हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वो भी दिखाई आता हूँ मैं आपको थोड़ा सा ही आगे जाके है। और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भाई मज़े आ रहे हैं देखने के। और फॉग देख सकते हैं आप, मतलब कि कुछ भी दिखाई दे रहा है आगे कुछ भी। तो देखा आपने कि आप भाई तगड़ा मौसम हुआ था यहाँ पे और बंदे पैराग्लाइडिंग कर रहे थे। तो आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे पैराग्लाइडिंग वगैरह करने के लिए। एक तो टायरों की वजह से प्रॉब्लम, नहीं तो बढ़िया आनी थी खतरनाक तरीके से। इसमें बिल्कुल भी ग्रिप नहीं है, बिल्कुल भी। थोड़ी सी ब्रेक लगा रहा हूँ तो मैं मतलब रुक थोड़ी रही है, मतलब स्केटी उतार रहा है टायर पीछे से, तभी मैं आराम आराम से चलाऊँ यहाँ पे। ओए होए होए होए, आप देख सकते हैं आवाज़ भी आ रही होगी आपको टायर स्केट होने की। लेकिन भाई खतरनाक ही मजा आया देखने का, देखने में इतना मजा आ रहा था तो सोचो जब करेंगे तब। डर तो लगता है लेकिन भाई जो एक्सपीरियंस मिलता है ना खतरनाक। आप सोचो इतनी ज़्यादा हाइट पर आप उड़ रहे हो, वाह। फिर गाना लगेगा पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में तो ये पहुंच गए हम मेन रोड पे जहाँ से हमने राइट टर्न लिया था। तो यहाँ से ही आगे आगे जाना है सीधे रास्ते पे, और वहाँ सामने बनाया अपना हाइड्रो प्रोजेक्ट। लेकिन अभी दिखाई दे रहा है फॉग की वजह से, जो मैं मिनी चूड़दार का बोल रहा था मंदिर, तो मंदिर और लवर पॉइंट की अलग से वीडियो बना देंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको वो वीडियो चाहिए हो तो, आपके लिए हम फिर से आ जाएंगे वीडियो बनाने के लिए। तो उससे पहले मैं आपको हाइड्रो प्रोजेक्ट दिखा जाता हूँ आप। और यहाँ पे देख सकते हैं आप बसेस वगैरह है, वैसा हर एक चीज़ आती है यहाँ पर, क्योंकि खुला डुला रास्ता है। तो बढ़िया, आप भी आ सकते हैं यहाँ पर जैसी मर्जी गाड़ी हो आपके पास। और आप सोच सकते हो इतना बड़ा कॉलेज हो भी इतने पहाड़ी इलाके, मतलब कि इतने पहाड़ पे ऊपर आकर ऐसा कॉलेज मिलना भाई इम्पॉसिबल। तो सो गाइस ऐसा कुछ कॉलेज है जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना है कॉलेज और कितना बड़ा बना है। आप सोचो बिल्कुल पहाड़ी इलाके में, मतलब पहाड़ काट के बनाया है। और देखो आप भाई बिल्कुल ख़तरनाक, और क्लासेस वगैरह भी लग रही है, आप बच्चे देख रहे हैं सामने। और यहाँ से पूरा बिलासपुर दिखाई देता है जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से, लेकिन अभी फॉग है तो इतना दिखाई दे रहा है। तो सामने आप देख सकते हैं भाई लग रहा है ना खतरनाक देखने के लिए। तो ऐसा ही था कुछ, इससे अंदर तो हम जान सकते हैं और जाके करना भी क्या हमने। तो इतना ही था, आप देखो लग रहा है ना खतरनाक। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कॉलेज कैसा लगा, तो आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं इंजीनियरिंग वगैरह करने के लिए। तो अब चलते हैं यहाँ से अपने बाइक के पास और चलते हैं अपने घर। और यहाँ पे इसकी है पार्किंग और ऐसा कुछ है कॉलेज, आप देख सकते हैं सामने लग रहा है ना खतरनाक देखने के लिए। और अभी तो मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी थोड़ा बहुत रह गया है कंप्लीट होने के लिए। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब तो और भी खतरनाक लगेगा देखने के लिए। और ये पीछे इसके कैफ़े है, साथ में आप देख सकते हैं पाम ट्री, तो ये कैफ़े है। तो यहाँ पर भी इंजॉय कर सकते हैं आप बढ़िया अपने मज़े से। और चलते हैं अब वापिस अपने घर। सो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए वापिस। और कॉलेज आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और बहुत ही ज़्यादा प्यारा बनाया देखा ना आपने, खतरनाक ही। तो यहाँ पे आप लोग भी आ सकते हैं इंजीनियरिंग करने, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस वगैरह लगी हैं और शायद हिमाचल का सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉलेज। और सोचो इतनी हाइट पे बना है, मतलब कि पूरे पहाड़ी इलाके में पूरा पहाड़ कट करके ये कॉलेज बना है। और बहुत ही ज़्यादा प्यारा कॉलेज बना है भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी बन गई होगी। और आपको पैराग्लाइडिंग स्पॉट और हाइड्रो कॉलेज कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना वो भी। तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ फैमिली मेम्बर के साथ सभी के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।